नमस्कार, मैं शिवानी बात कर रही हूँ प्रगति मीडिया से। राजस्थान के बाड़मेर में रविवार को एक धार्मिक आयोजन के दौरान पंडाल गिरने से 14 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और मरने वालों में 3 महिलाएं भी शामिल हैं। इस हादसे में लगभग 50 लोग घायल हुए हैं। देश भर के नेताओं ने इस हादसे पर दुख जताया है। राजस्थान सरकार ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अनेक नेताओं ने हादसे पर शोक व्यक्त किया है। रविवार अपहरण पर यह हादसा उस समय हुआ जब बालोतरा कस्बे के पास जसोल धाम में एक स्कूल में कथा चल रही थी। अंधड़ और बारिश के बीच पंडाल नीचे श्रद्धालुओं पर आ गिरा। सैकड़ों श्रद्धालुओं को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला और वह नीचे दब गए। बालोतरा सीमावर्ती बाड़मेर जिले का एक कस्बा है। कथाकार मुरलीधर महाराज कथा कर रहे थे, इसी दौरान बारिश और तेज अंधड़ शुरू हो गया। अंधड़ इतना तेज था कि पूरा टेंट हवा में लहराने लगा। कथावाचक ने लोगों को आगाह करते हुए बाहर निकलने को कहा था, लेकिन कुछ ही सेकंड में पूरा टेंट नीचे आ गिरा। सैकड़ों श्रद्धालुओं नीचे दब गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टेंट के लोहे के खंभों में बिजली का करंट भी दौड़ गया, लेकिन स्थानीय लोगों ने जैसे तैसे करके घायलों को निकाला और अस्पताल पहुंचाया। धन्यवाद।